हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अजय एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान जीके का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 6। तो इससे पहले आप सभी को बताएं 5 ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट ने नहीं देखे देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ से कवर कर लीजिए, कहीं बाद में पछताना ना पड़े आपको, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चंस पेपर बैक हैं, बार बार एग्जाम से पूछे भी जाते हैं, उनको जरूर देखना। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों टेस्ट नंबर 6। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य यानी उनके बीच में 56 गांवों का जो समूह है उसको क्या बोला जाता है, बोराट बोला जाता है, छप्पन का मैदान, या कांठल, या सुजला क्षेत्र, कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। फेमस क्वेश्चन है राजस्थान जीके का ये। प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 56 का मैदान बोला जाता है उनको। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 2 नंबर, इसका आंसर तो ये क्या होगा। अब बात आती है राजस्थान में कुल कितने पर्यटन विभाग हैं, कुल कितने पर्यटन विभाग है दोस्तों राजस्थान में, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर। 4 विभाग है, 7 या 6 या 12 पर्यटन विभागों की बात की गई है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कुल 4 पर्यटन विभाग है। चलिए देखते हैं कौन कौन से 4, ध्यान से देख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो राज्य में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन विभाग एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम जिसको RTDC बोला जाता है वो कार्यरत है, यानी कार्य कर रहे हैं या वो संभाल रहे हैं। तो वर्तमान में 4 पर्यटन संभाग है, कौन कौन से है, एक जोधपुर है, जयपुर है, कोटा है और अजमेर है, यानी 4 पर्यटन संभाग स्थापित किए गए हैं। ये देखिए कितने पर्यटन विभाग है, 4, और संभाल कौन कौन रहा है, इसको राजस्थान पर्यटन विभाग निगम संभाल रहा है जिसको RTDC बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। अब बात आती है राजस्थान के वे राजनयिक जो स्पेन में भारत के प्रथम राजदूत बने थे दोस्तों, करणी सिंह थे, या स्वाई मान सिंह, या डॉक्टर नगेंद्र सिंह, या रामनाथ हर्ष, कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। राजस्थान के वे राजनयिक जो स्पेन में यानी स्पेन देश में जाकर भारत के प्रथम राजदूत बने थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी स्वयं मान सिंह थे, ये कहाँ के महाराजा थे, ये जयपुर के महाराजा थे, ये भी नोट कर लेना साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगलधर पातिसाहे कहा जाता था, किसको कहा जाता था दोस्तों, जंगलधर पातिसाहे किसको कहा जाता था, मेवाड़ के शासकों को, या अलवर के शासकों को, या बीकानेर के शासकों को, या जोधपुर के शासकों को, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जिस जिसको आंसर बताए, जिसको नहीं पता है वो भी टाइप कीजिए ताकि आपको कन्फर्म पता चल जाएगा जब आपको मैं राइट आंसर बताऊंगा। तो ये कांस्टेबल की भर्ती में आया हुआ है पिछली बार, तो दोस्तों कौन सा आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बीकानेर के शासकों को बोला जाता था जंगलधर पातिसाहे, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 5 नंबर, अब बात आती है जांगलेस किसको कहा जाता था, जांगलेस किसको कहा जाता था दोस्तों, अजमेर के चौहान शासकों को, या जालौर के चौहान शासकों को, या बूंदी के चौहान शासकों को, या रणथंभौर के चौहान शासकों को, टाइप कीजिए जल्दी से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जांगलेस कहा जाता था, किनको कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी अजमेर के चौहान शासकों को बोला जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उससे पहले जान लीजिए कुछ और अन्य जानकारी। तो दोस्तों जंगल क्षेत्र यानी हर्ष, नागौर व सांबर के अधीश्वर होने के कारण शाकंभरी और अजमेर के चौहान नरेशों को प्राय जांगलेस भी कहा जाता था, तथा इसी जंगल क्षेत्र के अधिपति होने के कारण ही आगे चलकर बीकानेर के राजा जंगलधर पातिसाहे कहलाए थे। तो मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था बीकानेर के जो थे उनको क्या कहा जाता था, जंगलधर पातिसाहे, समझे आगे होगा आपसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। गुर्जरत्रा की राजधानी या प्रमुख नगरी थी, सिवाना थी, या बीनमाल थी, या जालौर थी, या आबू थी, कौन सा आंसर होगा। गुर्जरत्रा की राजधानी या प्रमुख नगरी कौन सी थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी भीनमाल थी, कौन सी थी, भीनमाल। अब ध्यान से देख लेना, भीनमाल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बन भी रहे हैं यहाँ से, नोट कर लेना। तो दोस्तों गुर्जर अथवा गुर्जरत्रा नाम से अभिहित क्षेत्र में राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भूभाग या भूमि सिवाना, जालौर आदि आता था, जिसकी प्राचीन राजधानी कौन सी थी, भीनमाल थी।
जैसा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री आया था एक, जिसका नाम क्या था, हवेनसांग, यानी हवेनसांग के नाम से जानते हैं, वैसे उसका नाम क्या था, चाइनीज नेम युवान चांग, क्योंकि वहां पे ऐसे ही नाम होते हैं। तो उनके यात्रा विवरण से संकेत मिलता है कि 8वीं शताब्दी यानी 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी लिखित यानी उनके द्वारा एक लिखी गई कोवलिया माला से भी गुर्जर देश तथा बिलमाल या बीनमाल है उसको अब जाना जाता है, तो उसका उल्लेख हुआ है। किसमें हुआ है ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी बुक में हुआ है, कुवलिया माला में। ये देखिए किसकी लिखी हुई है, उद्योतन सूरी की, कब लिखी गई थी, 778 ईस्वी। समझे आगे होगा आपसी को, ये बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत क्या सम्मिलित था दोस्तों, अलवर था या सीकर, झालावाड़ या श्रीगंगानगर, बताइए कौन सा आंसर होगा। मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत क्या सम्मिलित था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी अलवर था, ये नोट कर लेना। अब जान लीजिए इसके बारे में क्यों था, तो राजस्थान का पूर्वी भाग वर्तमान में अलवर भरतपुर की जो साइड है यानी उनका कुछ हिस्सा मत्स्य प्रदेश कहलाता था। महाभारत में मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर थी, यह तो रामायण में भी लिखा हुआ है, और आधुनिक बेराट तथा मत्स्य राज्य पांडवों का प्रबल पक्षधर के रूप में उल्लेख भी मिलता है दोस्तों। यानी राजस्थान का पूर्वी भाग वर्तमान में जो अलवर और भरतपुर की साइड है या उनका जो कुछ हिस्सा है वो मत्स्य प्रदेश कहलाता था पुरातत्व में, और महाभारत में मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर होती थी। इसका आंसर तो क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बताते हैं राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र का सही युग्म कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताइए, झुंझुनू उदयपुर या झुंझुनू सीकर या सीकर झुंझुनू या उदयपुर झुंझुनू। तो इसका मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कहाँ के थे, झुंझुनू के थे, या उपाध्यक्ष कौन कहाँ के थे, उदयपुर के थे, यानी अध्यक्ष का नाम पहले लिखा हुआ होगा, उपाध्यक्ष का बाद में, कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। राजस्थान का विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र का सही युग्म आपको बताना है कौन से क्षेत्र से थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी झुंझुनू और उदयपुर। इसका मतलब प्रथम अध्यक्ष था वो तो झुंझुनू से था, और उपाध्यक्ष था जो प्रथम वो उदयपुर से था। अब जान लेते हैं इनके नाम भी जो बार बार एग्जाम से पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष झुंझुनू से कांग्रेस विधायक नरोत्तम लाल जोशी थे, इसको नोट कर लेना। अब बताती है पहले उपाध्यक्ष जो कि उदयपुर के लाल सिंह सक्तावत थे, ये नाम भी याद कर देना, लाल सिंह सक्तावत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग बराबर है दोस्तों, श्रीलंका के बराबर है, जापान के, या इंग्लैंड के, या पाकिस्तान के, जल्दी से टाइप कर दीजिए, फेम्स क्वेश्चन है ये भी, पता होगा आप सभी को। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग बराबर है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जापान के बराबर है राजस्थान का। राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना, 342,39, 342,39, 342,39 वर्ग किलोमीटर, या किलोमीटर की स्क्वायर भी लगा सकते हैं आप। अब बात आती है जापान की, तो जापान का कितना है दोस्तों, अब ध्यान से देखना, 3,70,973 वर्ग किलोमीटर, यानी थोड़ा बहुत अंतर है, ये देखिए 3 लाख है, ये भी 3,42,000 है, यहाँ पे 70,000 हो गए, यानी 35,000 का फर्क है, सिर्फ 35,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग फर्क है इसके अंदर, यानी बाकी सेम ही है लगभग। हम बात करें अंदाजे से तो जापान का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के एकदम बराबर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। राजस्थान में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, 1940 ईस्वी में, 42 ईस्वी में, 54 ईस्वी में, या 55 ईस्वी में, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा राइट कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1940 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था सबसे पहले रेडियो प्रसारण राजस्थान में। अब जान लीजिए कहाँ पे हुआ था, तो राज्य में या राजस्थान में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण 1940 में जोधपुर रियासत में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, और राज्य का प्रथम जो आकाशवाणी केंद्र था वो जयपुर में 9 अप्रैल 1955 को प्रारंभ हुआ था, ये भी नोट कर लेना साथ में। यानी अगर आपसे रेडियो प्रसारण की बात की जाए तो 1940 में जोधपुर की रियासत में प्रारंभ हुआ था, अगर आपसे पूछ ले आकाशवाणी के बारे में तो राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र जयपुर में 9 अप्रैल 1955 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 11 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। राजस्थान से सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, हरियाणा है, या पंजाब है, या हिमाचल प्रदेश है, या छत्तीसगढ़ है, यह तो सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है।
राजस्थान से सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पंजाब है दोस्तों। कितनी सीमा बनाता है? 89 किलोमीटर की। अब देखिए पंजाब की सीमा 89 किलोमीटर पर राज्य के दो जिले लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इन दोनों की सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। जबकि पंजाब के फिरोजपुर और मुक्तसर जिले भी राजस्थान से लगते हैं, यानी पंजाब के दो जिलों की सीमा भी राजस्थान के साथ टच होती है। कौन कौन से हैं वो पंजाब वाले जिले? वो है फिरोजपुर और मुक्तसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। राज्यसभा के लिए चुनी गई राजस्थान से प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव थी, या गायत्री देवी थी, या सोमनेश जोशी थी, या रतन शास्त्री थी? कौन सा आंसर होगा? फेमस क्वेश्चन है ये, टाइप कीजिए जल्दी से। जिस जिसको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक कीजिए। कल शाम को 9:30 बजे होगा इसी टाइम राजस्थान जीके का ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, बने रहिएगा अंत तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी शारदा भार्गव थी, यह आप नोट कर देना। अब जान लीजिए इसके बारे में कुछ और जानकारी। तो दोस्तों प्रथम आम चुनाव के समय 1952 ईस्वी में राजस्थान में लोकसभा की 25 एवं राज्यसभा की कितनी सीटें थी? 10 सीटें थी। और श्रीमती शारदा भार्गव 1952 में राजस्थान से चुनी गई पहली महिला सांसद एवं राज्यसभा सदस्य थी, जबकि महारानी गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी यानी 1962 में बनी थी और राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य बनी थी दोस्तों, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, फटाफट बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। राज्य में सर्वाधिक ग्राम किस जिले में बसे हुए हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए, यानी इन जिलों में से सबसे ज्यादा गांव कौन से जिले में है? जयपुर, श्रीगंगानगर, अलवर या जोधपुर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सबसे ज्यादा गांव। अब देखिए कितने गांव हैं। तो दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने गांव हैं? 44,494 राजस्व गांव हैं। इनमें सर्वाधिक श्रीगंगानगर जिले में कितने हैं? 2,777 गांव हैं सॉरी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे कम कौन से जिले में है? सबसे कम है सिरोही जिले में, कितने गांव हैं? 492 गांव। अब देखिए इतना छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से और 2,777 गांव हैं, सबसे कम है सिरोही के अंदर 492। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 14 नंबर, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है दोस्तों? पाली की लगती है, भीलवाड़ा की, अजमेर की, या जयपुर की? यानी इनमें से कौन सा जिला है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा दूसरे जिलों के साथ लगती है? कई बार एग्जाम से पूछा गया ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पाली की लगती है। अब देख लीजिए ये मध्य में पड़ता है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों पाली जिले की जो सीमा है वो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ लगती है, कौन कौन सी जिलों के साथ लगती है ये नोट कर लेना। जालौर के साथ लगती है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर से लगती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। राज्य के आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? आंतरिक का मतलब उनकी सीमा ना ही किसी राज्य के साथ लगती है, ना ही उनकी सीमा किसी राज्य के साथ लगती है, और ना ही किसी देश के साथ लगती है दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। राज्य के आंतरिक जिलों की संख्या 6 है, या 7, या 8, या 9? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 8 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा ना ही किसी राज्य से लगती है, ना ही किसी देश के साथ लगती है, यानी मध्य में स्थित है। वो कौन कौन से हैं जिले? तो दोस्तों वो हैं पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, दौसा, बूंदी और टोंक। समझें आगे होगा आपसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों 56 की पहाड़ियाँ राज्य के कौन से जिले में अवस्थित है? बांसवाड़ा में, राजसमंद में, बाड़मेर में, या अजमेर में? कौन सा आंसर होगा? 56 की पहाड़ियाँ राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बाड़मेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर देना। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जितनी कंडीशन देखा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। और धन्यवाद आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अजियो एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। जो नया कनेक्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना शाम को 9:30 बजे होता है लाइव टेस्ट राजस्थान जीके का, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए और साथ में पटवारी की वैकेंसी के लिए भी, या जो कैंडिडेट्स टेक्निकल हेल्पर राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर में यही क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।
साथ में कमेंट करके जरूर बताइए आज का टेस्ट आपको कितना अच्छा लगा।